तो आज हम कहानी सुनेंगे एक हाथी की। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक दर्जी रहता था। उसके पास ही में जंगल में एक बूढ़ा हाथी रहता था। हाथी बहुत दयालु था, हाथी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन हाथी गांव में खाने के लिए आया तो उस दिन दर्जी का दिमाग खराब था। उसने हाथी की सूंड पर सुई चुभा दी। सुई का फिर नुकीली होने के कारण हाथी को ज़्यादा दर्द हुआ और नुकसान झेलना पड़ा। हाथी बहुत परेशान हो जाता है। दर्जी को सबक सिखाने के लिए हाथी अपने दिमाग में कुछ सोचता है। तभी हाथी को एक युक्ति आती है और हाथी एक गंदे तालाब के किनारे जाता है और अपनी सूंड में सारा गंदा पानी भर के आता है। वह अपनी सूंड से सारा गंदा पानी दर्जी की दुकान पर साफ सुथरे कपड़े और दर्जी के ऊपर फेंक देता है और उसकी दुकान गंदी हो जाती है और दर्जी के सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, जिससे दर्जी बहुत दुखी होता है और वह समझ जाता है। उसके बाद दर्जी हाथी से माफ़ी मांगता है और हाथी को केला खिलाता है। हाथी भी दर्जी को माफ़ कर देता है और हाथी वापस से जंगल में चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुराई हमेशा लौटकर वापस जरूर आती है। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।